अस्सलामुअलैकुम मैं नाकमास पाकिस्तानी वीवर। तो यार एक न्यूज चल रही है कि जो गाना है जो तू ना मिला हो, तो मुझे माफ करना अगर मैं गाने का नाम गलत ले रहा हूँ, आसिम अजहर ने बनाया। यार देखो मुझे बस ये न्यूज की वजह से पता है, मैं पाकिस्तानी ड्रामास को फॉलो नहीं करता और ड्रामास नहीं म्यूजिक को, ड्रामास को कभी कभी देख लेता हूँ बीच बीच में, कभी कभार इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, गानों को नहीं देखता। रीजन बीइंग मुझे कोई उससे खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं एनिमे सॉन्ग और गेम के सॉन्ग, वीडियो गेम सॉन्ग ज्यादा प्रेफर करता हूँ ओवर पाकिस्तान का। कुछ गाने मुझे भी अच्छे लगते हैं, पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी मुझे अच्छा लगता है, दिल दिल पाकिस्तान भी अच्छा लगता है, लेकिन देर आर सम मेजॉरिटी में मुझे मैं प्रेफर करता हूँ एनिमे म्यूजिक और वीडियो गेम म्यूजिक और कभी कभार एनिमेटेड मूवी म्यूजिक, लाइक जो बैटमैन के होते हैं, सुपरमैन के होते हैं, या कभी कभार होता है इवन लेगो प्रोड्यूसर्स अमेजिंग म्यूजिक और सॉन्ग्स। तो यार की अगर तुम लोगों ने देखी है, मैंने गाना नहीं सुना, अब बताऊँ तो मेरे पास मैंने सिर्फ न्यूज़ सुनी उसको मैं कवर कर रहा हूँ। कीकी अगर तुम लोगों ने देखी डिलीवरी सर्विस का, मैंने रिव्यू भी आया था आई बिलीव कुछ दिन पहले, कीकी डिलीवरी सर्विस बाय द वे वॉच इट, इट्स एन एंटरटेनिंग मूवी। तो बोला गया है कि जो तू ना मिला में ट्यून है वो कीकी से उठाई गई है, और उन्होंने उस पर रिस्पॉन्स किया है कि जो भी ट्यून और म्यूजिक अगर यूज किया गया है तो परमिशन और लाइसेंस ये वो मतलब ऑफिशियली सब हाथ किए हुए हैं, दैट वॉज दी मतलब एक क्लेम किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि जो एनिमे कॉपीराइट स्ट्राइक है ना जापान में एनिमे के बारे में, इतना एक अजीब किस्म की है, इट्स रियली वियर्ड, और मैं बोलता हूँ कभी कभार बेकार भी। अब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बार फेरी टेल का रिव्यू किया था, मैंने उस पर क्या दिया था, एक एम भी है कुछ उठा के उससे बना उसमें मतलब बैकग्राउंड पर वीडियो डाल दी थी और फेरी टेल के बारे में बात कर रहा था, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक लग गई और उसमें बैकग्राउंड फेरी टेल का गाना भी डाला था, मुझे लगा बैकग्राउंड में गाना डालने से हुआ है, लेकिन नहीं उस वीडियो से हुआ, मैं गाना हटाया फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक लगी, मुझे ऐसे दो कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। फिर मैंने क्या किया, अगर तुम अभी जाके देखो वहाँ ब्लैक स्क्रीन लगी होगी और फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार एक और वीडियो नहीं बना जिसमें मेरी शक्ल होकर दिखाऊँ और सेटअप वेटअप भी नहीं हुआ पड़ा था, तो वो सीन होने के बाद कॉपीराइट स्ट्राइक लगी। लेकिन जिन लोगों ने एम भी बनाया था उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, तो तुम लोगों को एक चीज बता दो, एनिमे की कॉपीराइट स्ट्राइक अजीब है, और दूसरी बात आई डाउट कि जो अब मुझे नहीं पता उस बात में कितनी सच्चाई ना ही मैं इस बात पर बहस करूंगा, लेकिन आई डाउट क्योंकि जापान की एक बात है वो अपने कल्चर की बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी आईपीज और ओनरशिप्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसके वजह से ये सीन होता है कि वो इजीली किसी को कुछ नहीं दे देते। लाइक अगर तुम देखते जाओ हॉलीवुड की भी कुछ ही एनिमे, हॉलीवुड ने कुछ ही एनिमे लाइव एक्शन मूव बनाई है और एनिमे की लाइव एक्शन मूव शो कुछ ही है। रीजन बीइंग जो जापान है वो अपनी आईपी की बहुत केयर करता है, उनके लिए जैसे बच्चा है बड़ा हो गया है, तो सीन ये है कि वो ऐसे ही किसी को कुछ नहीं देते थे। आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव मेरे हिसाब से कि वो मतलब कीकी की ट्यून म्यूजिक है जो बैकग्राउंड में ट्यून है वो मतलब लीगली वेज से मतलब क्या है कोई कॉन्ट्रैक्ट आई डोंट नो जो भी लीगली वेज से हुई है, आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, एंड स्टूडियो गिबली इटसेल्फ इज अ बिग आई मीन वो देने में टेंशन नहीं है, लेकिन आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव, स्टूडियो गिबली तो बहुत बड़ी मतलब इफ यू नो अबाउट इट, इट्स अ बिग एनिमेशन मूवी। अब इस बारे में मेरा ओपिनियन है, बाय द वे अब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, मैं पाकिस्तानी ड्रामास बहुत कम देखे हैं लेकिन मतलब बीच बीच से देखे हैं, अब का मुझे नहीं पता, लेकिन आई बिलीव कुछ साल पहले मैं देखता था, मतलब मैंने कुछ ही एनिमेस देखे थे नारुतो फेरी टेल ये वो, तो सीन ही होता था पाकिस्तानी ड्रामास में बहुत सारे एनिमे म्यूजिक आ जाते थे, लिजिट आते थे वो, तुम लोग मुझसे बहस कितनी भी करो नहीं इनका खुद का नहीं आते थे, और पता नहीं क्यों सारे पाकिस्तानी ड्रामा नारुतो का सैडनेस एंड सोरो वाला म्यूजिक रखते हैं फॉर अननोन रीजन, फेरी टेल का एक बार आया था लेकिन मैंने मुझे सही याद नहीं है, लेकिन जितना मैं बोल सकता हूँ दो तीन तो मैंने सैडनेस और सोरो पाकिस्तानी ड्रामो में सुना है नारुतो का म्यूजिक, और मैं हंसता हूँ क्योंकि सैडनेस एंड सोरो नारुतो के लिए बनाया तो सीन में वो फिट होता है, किसी और सीन में डालते हो तो वो फिट नहीं होता, इसलिए मैं हंसता हूँ, मुझे कोई सीरियस सीन होता है मैं हंसता हूँ लिटरली कुत्ते की तरह हंसता हूँ कि ये क्यों है ऐसा। आपका मुझे नहीं पता कि पाकिस्तानी ड्रामा यूज करते हैं, लेकिन एक चीज तुम लोगों को बताऊँ, जो शाम में दरीज रखी भाई का किस्सा हुआ था तो मोरू भाई ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कॉपी कैसे कर रहे हैं लोग, यू नो प्लेजरिज्म ये वो, तो पाकिस्तानी ड्रामा में ये भी दिखाया गया था पाकिस्तानी दूसरी मीडियम पे न्यूज चैनल ये वो, तो मतलब वो यूट्यूबर्स की या कोई अच्छे फोटोग्राफर्स उनकी बस पिक्चर उठा के डाल देते हैं विदाउट इवन गिविंग एनी क्रेडिट या वॉटरमार्क, और ड्रामा जोक्स कॉपी कर देते हैं,
तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये सिलसिला इस गाने में भी है या पाकिस्तानी मतलब ड्रामों में कोई एनिमे में भी कुछ होगा। लिटरली तुम लोगों को एक बात बताऊँ, एनिमे म्यूजिक अगर तुम लोग जितना सुनते हो ना, तुम जो म्यूजिक जॉनर सुनते हो ना, एनिमे की या वेस्टर्न या तुम कहीं पे भी सुनते हो ना, तुम समझ जाते हो। क्या पता मैं गलत हूँ, कुछ क्या म्यूजिक, क्योंकि कुछ म्यूजिक है जिनका मुझे पता नहीं होता कहाँ से है, लेकिन मैं समझता हूँ हाँ ये तो एनिमे से, दिस इज लिटरली ये जापानीज म्यूजिक। लेकिन कुछ लोगों कभी कभार मतलब एक डाउट होता है, लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें ये भी पता था हाँ यार ये तो करेक्ट है, तो मैंने अगर सुना भी नहीं होता तो ये होता है लाइक इन एनिमे ये म्यूजिक होता है। और ये दूसरी बात मुझे एक कवर करनी थी कि मैंने उस मतलब न्यूज़ पे जब मुझे भेजी गई थी तो मैं कॉमेंट्स पे देख रहा था और लाइक सम पीपल वर एरोगेंट इग्नोरेंट एरोगेंट नहीं सॉरी इग्नोरेंट वो बोल रहे थे तो क्या हुआ, इट्स अ कार्टून, क्या हुआ एनिमे, क्या हुआ उठा लिया। यार एक चीज तुम लोगों को बोलता हूँ, पाकिस्तान में ये जो मंदिर वाला भी सीन है, आई एम सॉरी फॉर ऑल द हिंदू ब्रदर्स, पाकिस्तान में ये सीन है, हम अपने कल्चर अपने रिलीजन को ज्यादा मतलब देते हैं, विच इज अ गुड थिंग, रियली गुड, भले इज्जत रिस्पेक्ट फॉर यू। कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर हो जाते हैं, वो भी भले करें, लाइक द प्रॉब्लम इज कोई बंदा अगर वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होता है, किसी और कल्चर से इंस्पायर होता है, हम उसे लिटरली अपना नहीं समझते। अब मैं तुम लोगों की नहीं बात कर रहा, तुम सबकी नहीं बात कर रहा, लेकिन आई हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम। और अगर तुम वेस्टर्न कल्चर तुम्हारे यहाँ फेमस है, लेकिन अगर तुम ज्यादा कल्चर पे होगे, ये तुम इस बात से रिलेट कर सकते हो, यू वॉच अ लॉट ऑफ एनिमे और तुम एक स्कूल में हो जहाँ पे कोई आई थिंक गेम ऑफ थ्रोन्स का जमाना है और तुम अटैक ऑन टाइटन देख रहे हो। अब मुझे याद है IMDb में एक ऐसा और था जब अटैक ऑन टाइटन का सीजन 3 चल रहा था और गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल सीजन चल रहा था, तो एक IMDb आई थिंक होता है सीरीज टॉप इन द वर्ल्ड करंटली ऐसा कुछ, रॉश ने एक पोस्ट स्टोरी डाली थी कि अटैक ऑन टाइटन नंबर 1 पे है और गेम ऑफ थ्रोन्स नंबर 2 पे था। ये तुम लोग तो रिसर्च करना, लेकिन एक जगह पे था लाइक द बेस्ट सीरीज करंटली रनिंग और उस वक्त ये चल रहा था। तो और लेजिट तुम ट्विटर पे भी जाओगे ना, कोई गेम ऑफ थ्रोन्स की ऐसा दिन आ गया था, गेम ऑफ थ्रोन्स की कोई बात ही नहीं कर रहा था, अटैक ऑन टाइटन वाज द हाइप, आई थिंक एक हैशटैग भी हुआ था अटैक ऑन टाइटन सीजन 3 का। तो लाइक लिटरली ऐसी जबरदस्त सीन हो रहे थे, लेकिन अगर तुम एक स्कूल में हो जाए गेम ऑफ थ्रोन्स मशहूर हो, वेस्टर्न मीडिया ही मशहूर होगी, तो मैंने की बात करोगे तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, अब तो मैं लोगों को मतलब फारिग कर रहा था, आ जाओ तुम्हें देखना, मुझे तो नहीं देखना था। लाइक मैं तुम्हें लिटरली बताऊँ, मैंने अमेरिकन शोज बहुत कम देखे हैं। तो बाय द वे एक और चीज मैं टॉपिक हट रहा हूँ, मैं तुम लोग ये बोलना चाहता हूँ कि यार देखो अगर कोई किसी कल्चर से इंस्पायर होता है या कोई भी किसी कल्चर से होता है या प्लेजरिज्म होती है ये वो, देर उस पर इग्नोरेंट नहीं हो, अपने कल्चर की इज्जत करो, लेकिन दूसरे की कल्चर की भी इज्जत करो, दिस इज ऑल्सो मतलब ओपन माइंडेड बनो। और प्लेजरिज्म होती है ये वो, तो तुम लोग चिढ़ते क्यों जब तुम लोगों के साथ होती है। मैं तुम्हें एक पर्सनली अपनी बात बताता हूँ, दुख की बात है। अब देखो क्रिश्चियनिटी, अगर तुम यूट्यूबर्स जाओगे क्रिश्चियनिटी के बहुत जोक्स मारते हैं, जीसस ये वो ये वो, उसमें मैं हंसता हूँ। फिर होता है कभी कभार ऐसा हो जाता है कोई मुस्लिम जोक आ जाता है, अब ऑब्वियसली उस पर मुझे चिढ़ आएगी ये वो, लेकिन मैं चुप करके बैठता हूँ। रीजन भी यार अगर मैं क्रिश्चियन के जोक पे हंसता हूँ, जीसस ये वो, अगर वो मजाक कर रहे हैं तो मैं हंस रहा हूँ, मतलब वीडियोस में आ जाते हैं कभी कभार, अगर तुम लोग कोई यूट्यूब पे देखो ये वो गेम खेलता हो तो मजा कर लेता है, तो अगर ऐसा कोई जोक कर रहा है तो मैं चुपचाप बस बैठ जाता हूँ, मैं हंसता तो नहीं हूँ लेकिन मैं उसके खिलाफ भी कुछ नहीं लिखता। रीजन बीइंग यार अगर मैं दूसरे रिलीजन पे हंस रहा हूँ तो अपने रिलीजन पे भी टॉलरेंस होनी चाहिए, दैट्स माई पर्सनल बिलीफ, तुम लोगों का नहीं हो इस पे तो नहीं। ओवरऑल मैं बोलूँगा यार पाकिस्तानी ड्रामास कॉपी करते हैं, दिस इज अ फैक्ट, मीडिया भी कॉपी करती है, तो मैं आगे जाके भी शायद नजर आए एनिमे म्यूजिक, ये तो अभी बात बड़ी है तो इसलिए, लेकिन आई थिंक एक वीडियो भी थी जिसमें था कि एनिमे म्यूजिक इन पाकिस्तान ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा की वीडियो मिली नहीं, अगर कोई देख रहा है जिसने बनाई है जिसको पता हो प्लीज़ यार उसको मुझे बता दो कॉमेंट्स में, तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट पर कॉमेंट कर दूँ। सही है मैं नाकामास, आज के लिए इतना है, अल्लाह हाफ़िज़।